नवरात्रि की महाअष्टमी के दिन भाजपा और कांग्रेस के दो दिग्गज नेताओं ने अपना नामांकन दाखिल किया। राजगढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय सिंह ने तो गुना शिवपुरी संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। ज्योतिरादित्य सिंधिया के नामांकन दाखिल करते समय उनके साथ बड़ी भीड़ और कई बड़े नेता शामिल हुए। वहीं दिग्विजय सिंह ने बहुत सादगी के साथ अपना नामांकन दाखिल किया। तीसरे चरण के मतदान को लेकर नामांकन पत्र जमा करने की शुरुआत 12 अप्रैल से हो चुकी है। मंगलवार को गुना शिवपुरी संसदीय सीट से भाजपा प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शिवपुरी में कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदास शर्मा भी उनके साथ रहे। इससे पहले सिंधिया ने शिवपुरी में रोड शो किया। सिंधिया दोपहर करीब 2:45 बजे गुना से शिवपुरी पहुंचे। गुना बाईपास से सिंधिया का रोड शो शुरू हुआ। समर्थकों की जीत पर सिंधिया खुले वाहन में सवार हुए। जगह जगह समर्थकों ने फूल बरसाकर उनका स्वागत किया। सिंधिया ने कहा कि क्षेत्र के विकास के लिए, प्रदेश के विकास के लिए और देश के विकास के लिए जनसेवा का संकल्प आज हम सब ले रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में आज भारत विकास पथ पर अग्रसर है। उधर राजगढ़ सीट से कांग्रेस उम्मीदवार दिग्विजय सिंह ने भी नामांकन दाखिल किया। वो दोपहर बाद अपनी पत्नी अमृता के साथ राजगढ़ कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे। इससे पहले दिग्विजय सिंह ने सपत्नीक जालपा माता मंदिर पहुंचकर वहां पूजा अर्चना की। दिग्विजय सिंह का इस बार सादगी पर जोर है। उन्होंने पहले ही कहा था कि वो सिर्फ 4 लोग, प्रस्तावक, जिला कांग्रेस अध्यक्ष, लोकसभा प्रभारी व वकील के साथ निर्वाचन अधिकारी के समक्ष पहुंचकर अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। उन्होंने कांग्रेस जनों से राजगढ़ में भीड़ नहीं लगाने का भी आह्वान किया था। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।